सिवनी जिले के धनौरा तहसील में आज तहसीलदार महोदय को संपूर्ण बैंड पार्टी एवं डीजे पार्टी वालों ने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया है कि कोरोना काल के चलते हुए संपूर्ण प्रदेश में बैंड एवं म्यूजिक सिस्टम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे उनके जीवन यापन में कभी प्रभाव पड़ा है। लोगों के बताए अनुसार वे अपने परिवार को ठीक तरीके से नहीं चला रहे हैं और उनकी जीवन अंधकारमय चलता जा रहा है। उन्होंने शासन एवं प्रशासन से अपील की है कि वह दशहरा एवं शादी विवाह में साउंड एवं बैंड का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करें। शादी विवाह में भी एक लाइट घोड़े से 20 चूल्हे जलते हैं। इसमें कम से कम हम धनौरा ब्लॉक से 100 लोग हैं इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। एक बैंड बाजे की टीम में 20 से 25 लोग काम करते हैं, तो 20-25 चूल्हा जलते हैं। अभी वो चूल्हों की स्थिति इतनी बुरी है कि लोग अपने जेवर बेच के भी परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तहसील कार्यालय में जहाँ पे समस्त ये बैंड बाजा पार्टी जो है एवं डीजे टेंट हाउस वाले हैं, ये अपने रोजगार को लेकर यहाँ पे ज्ञापन सौंपने आए। आइए इनकी समस्याएं पूछते हैं। हम विगत विगत 6 महीनों से लगभग जब से लॉकडाउन लगा हुआ है इस कोरोना महामारी के चलते ही हमारा सारा व्यापार चौपट हो गया है और हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सरकार लगातार धीरे धीरे सारे व्यापारों को चालू कर रही है, धार्मिक कार्यों में भी, सामाजिक कार्यों में भी, वैवाहिक कार्यों में हमें कम से कम हमारे धंधा व्यापार को चालू करने की अनुमति प्रदान करें। उससे जो नियम कानून उनके बनाए हैं उनमें संशोधन करें। इस सभी विषय को लेकर हम यहाँ मुख्यमंत्री महोदय के नाम से तहसील कार्यालय धनौरा में ज्ञापन देना चाहते हैं और हमारी सारी जो मांगे हैं इस ज्ञापन के माध्यम से हम आपको, हम सरकार को सूचित करें।